प्रतापगढ़ से खबर है जहां पुलिस ने सपा नेता व 5 लाख का इनामी बदमाश सभापति यादव और उसके भाई सुभाष यादव को कोर्ट में पेश किया, जहां मामले की सुनवाई के बाद रिमांड मजिस्ट्रेट ने सभापति और उसके भाई सुभाष यादव को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं सुरक्षा के बीच पुलिस ने दोनों भाइयों को जेल में दाखिल कराया। आपको बता दें, बंगाल से ट्रांजिस्ट रिमांड पर दोनों इनामी भाइयों को पुलिस ने आज भोर में प्रतापगढ़ लाया, जहां थाने में रख दोनों भाइयों से पूछताछ हुई, जिसके बाद पुलिस मेडिकल कराते हुए दोनों को न्यायालय में पेश किया गया। प्रतापगढ़ पुलिस ने दोनों भाइयों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। सियालदह जीआरपी पुलिस ने दोनों भाइयों को कोयला व्यापारी से धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसकी सूचना लगने पर प्रतापगढ़ पुलिस सक्रिय हुई। बंगाल से प्रतापगढ़ लेकर आई, वहीं सभापति पर लूट हत्या रंगदारी के 41 मुकदमे हैं, जबकि भाई सुभाष पर 29 मुकदमे दर्ज हैं। जेल जाने से पहले मीडिया से बात करते हुए सभापति ने गंभीर आरोप भी लगाया। सभापति यादव ने कहा कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के दबाव में सभी मुकदमे दर्ज किए गए, ये सभी कार्रवाई पुलिस के दबाव में किया गया। प्रतापगढ़ से प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट, SKH न्यूज। क्या लग रहा है, सरकार में न्याय मिलेगा? आईडी मुझे तो नहीं लगता न्याय मिलेगा। क्यों, क्या कारण? कारण है कि आप बींद और मुजाही की जो घटना है, जिस घटना में हमको जेल भेजा जा रहा है, जिस घटना में मेरे ऊपर 5 लाख का इनाम हुआ, दोनों भाइयों को 5-5 लाख का, आप कम से कम बींद और मुजाही में जाके जन जन से पूछें कि क्या वहाँ कोई घटना हुई थी। मतलब इंटेंशन में पुलिस ने सारा काम किया, पुलिस ने दबाव में काम किया। पुलिस अपनी मर्जी से नहीं, सबको अपनी नौकरी प्यारी होती है। ये सब कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप मोती सिंह की बदौलत से सब हुआ, उनके दबाव में हुआ। और मैं किसी को दोष नहीं, पुलिस प्रशासन को दोष इसलिए नहीं दूंगा कि वो जो कुछ भी किए, सब सारा कुछ दबाव में हुआ। क्या लग रहा है, सरकार में न्याय हो जाएगा? अब देखते हैं जाएगा, क्या होता है। अब तो प्रक्रिया में आए हैं, फर्जी मुकदमे के ऊपर अपने घर पे बिताया, घर पे। और धर्मस्थल हैं तमाम, योगी जी धर्मस्थल खोल कर रखे हैं, सब धर्मस्थलों में दर्शन किया। मतलब योगी जी के धर्मस्थल ही काम आए? आए, काम तो सब आते हैं। नहीं, काम तो सब आता है, धार्मिक स्थल कौन नहीं जाता है? कोई मस्जिद में जाएगा, कोई मंदिर में जाएगा, हम तो मंदिर और मस्जिद दोनों में जाते हैं। आपके ऊपर गुरुद्वारों में जाते हैं, सब झूठे हैं, सारे मुकदमे फर्जी हैं, टोटल फर्जी मुकदमे हैं। सर, बंगाल में 5 लाख की इनामी दो सगे भाई की गिरफ्तारी हुई थी और प्रतापगढ़ पुलिस उनको लेने के लिए रवाना हुई थी। सर, प्रतापगढ़ लेकर पहुंची है उन लोगों को, सर कहां पे रखा गया है और क्या कार्रवाई की जा रही है अब आपकी तरफ से? देखिए, जनपद प्रतापगढ़ में थाना आसपुर देवसरा के ग्राम विनेका में दो अपराधी, जिनका नाम सभापति यादव और सुभाष यादव है, इन पर 5 लाख रुपये का इनाम पूर्व में घोषित था। इनको GRP सियालदा के द्वारा पिछले हफ्ते इनको अरेस्ट किया गया था, जिसकी सूचना जनपद में मिली और इसमें इसको सत्यापित कराया गया। वेस्ट बंगाल के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट किया गया और वहां से ट्रांजिट रिमांड बनवाकर पुलिस के द्वारा जनपद प्रतापगढ़ लाया गया है और यहां से माननीय न्यायालय में इनके को पेश किया जाएगा। सर, इन लोगों के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज थे और कितना इनाम प्रतापगढ़ पुलिस ने रखा? देखिए, सभापति यादव पर करीब 3 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं, जो कि गंभीर धाराओं में हैं, और इसी प्रकार पर सुभाष पर करीब 30 मुकदमे पंजीकृत हैं, जो कि गंभीर धाराओं में हैं। इन पर 5 लाख रुपए का भी इनाम पूर्व में घोषित किया गया था और अभी वेस्ट बंगाल में सियालदा GRP में इनके खिलाफ एक IPC की धारा 420 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसका अपराध संख्या 29/22 है, जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई, जिसकी सूचना यहाँ पर मिली थी और उसी के क्रम में इनको ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ पर लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। सर, क्या पूछताछ भी हुई थी, कितने का इनामिया था ये? 5 लाख रुपए के इनामिया थे दोनों और इनसे काफ़ी डिटेल में पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई है। इसमें कई सारी चीज़ें निकल कर आई हैं, जिनके आधार पर भी आगे जो इनकी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, उनको भी एस्टेब्लिश किया जाएगा।